हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तरचारवर्ती कोर्ट अपडेट को लेकर आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हुआ हूँ। हालांकि अब काफ़ी एक दो दिनों से आप लोगों को अनएक्सपेक्टेंसी देखने को मिल रही होगी मेरी वीडियोज़ के अपलोड होने में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आपको जल्द ही वीडियोज़ आनी प्रारंभ हो जाएंगी आपके कहे अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार, आपके प्रश्नों के अनुसार। इम्पॉर्टेंट बात है, इस वजह से लेकर वीडियो आया हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है किसके पक्ष में फैसला आएगा। कई लोग तराजू पर तौलना स्टार्ट कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, है ना, अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ें प्रेषित करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये मजबूरी में वीडियो आना पड़ा, यानी आपके समक्ष ले आना पड़ा। पहले देख लेते हैं, सुनवाई का ऑर्डर अपलोड हो चुका है, सुनवाई का ऑर्डर जो आपके समक्ष। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने पक्ष की तरफ से रिटर्न सबमिशन होना है और वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली बात बताते हैं कि जो आपका रिटर्न सबमिशन होना है आपके सीनियर जज तिवारी जी के द्वारा, अनिल तिवारी जी के द्वारा, और सरकार की तरफ से जो रिटर्न सबमिशन होने वाला है, लास्ट डेट सबकी फ्राइडे यानी कि कल है, तो कल तक सबका रिटर्न सबमिशन हो जाएगा। लीगल टीम भी इसको लेकर लगातार प्रयासरत है और अनिल तिवारी सर के पास कल रात को भी गए थे लीगल टीम के लोग और आज मॉर्निंग में भी गए थे। उम्मीद है कि कल से पहले सीएससी पैनल ने जो भी रिकॉर्ड रखे हैं उसके द्वारा आपका सरकार का पक्ष रख दिया जाएगा रिटर्न सबमिशन वाला, और इधर अपनी तरफ से अनिल तिवारी साहब का भी पक्ष रख दिया जाएगा कल संभवतः। उसके बाद आपका हॉलीडे पड़ जाएगी और ऑर्डर को प्रेषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उम्मीद करेंगे कि ऑर्डर आपका होली के हॉलीडे के एक हफ्ते तक के अंतर्गत निकल जाए, ताकि जो भी प्रक्रिया हो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाए। पहली बात। दूसरी बात आता हूँ, क्योंकि अब कई वीडियोस आने लगे हैं तो आप लोगों के प्रश्न संभवतः मेरे पास आ रहे हैं, तो इसको लाना ज़्यादा ज़रूरी मैंने समझा। किसके पक्ष में आएगा फैसला, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये एक मैंने लाइन लिखी है, एकजुटता स्पष्ट कीजिए, और स्पष्ट जीत उस चीज़ की होगी जिनके अंदर एकजुटता रहेगी, सीधी और स्पष्ट बात। विपक्ष के खेमे के लोग विपक्ष के लिए रणनीति बनाएंगे, विपक्ष की बातें साझा करेंगे और आपको भ्रमित करेंगे, मानसिक प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे, और पक्ष के लोग अपनी पक्ष की बात करेंगे। अब ये आपके ऊपर व्यक्तिगत निर्भर करता है कि आप क्या चीज़ लेते हैं। सकारात्मक अगर आप आज तक रहे हैं, और मुझे ज़रूरी लगा ये वीडियो लाना क्योंकि एक दो दिन से पिछले वीडियोस आपको लगातार कंटिन्यू नहीं मिल रही थी, तो डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आपके अंदर आती होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आपको ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं जो आपको डीमोटिवेट करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात एग्जैक्टली चीज़ें क्या है, तो पहले ये देख लीजिए, ये सुनवाई का ऑर्डर है, ठीक है ना। सुनवाई ऑनरेबल पंकज जायसवाल और ऑनरेबल करुणेश पवार साहब का बेंच, हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज, जजमेंट रिजर्व टिल द डिलीवरी ऑफ जजमेंट, अंतरिम ऑर्डर ग्रांटेड अर्लियर शैल बी कंटिन्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है, इसका ऑर्डर ही आपके समक्ष। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसके पक्ष में आएगा फैसला, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्या मानते हैं कि किसके पक्ष में आएगा फैसला। क्या आप दूसरे की बात समझ कर सारे निर्णय पर आ जाते हैं, या आपने जितनी भी सुनवाइयाँ हुई हैं मेरे साथ, जितने लोग भी व्यक्तिगत, अगर मैं हूँ व्यक्तिगत हूँ अपने विचारों पर, तो मैंने अभी तक जितने भी आप लोगों को वीडियोस दिए हैं, जितने भी कोर्ट ऑर्डर अपडेट दी है, वो आपने कितने ध्यान से सुना है, कितना उन सारी चीज़ों को फॉलो किया, अपने पर कितना विश्वास रखा है, और कोर्ट के जजमेंट जो भी आता रहा है, रोज़ सुनवाई जो होती रही है, उस पर कितनी बातें आपको लगी हैं कि किसके पक्ष में फैसला आ सकता है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय, इस पर जाइएगा। कोई क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, फलनवा क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये मुझे लगा कि वीडियो मैं देख रहा हूँ अब लगातार, आपको आने लगा किसके इसके पक्ष में आ जाएगा, 40-45 वालों का ये है तो इतना प्रतिशत उम्मीद है कि इसके पक्ष में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि अभी ऑर्डर जो रिटर्न सबमिशन है वो आपके पक्ष का, और एजी मतलब कह सकते हैं सरकार के पक्ष का भी तो सबमिट हुआ ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपका ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ लगाना कि वहाँ से उस इंस्टीट्यूट से मुझे पता चल जाएगा, हमारे बहुत खास सूत्र बता देंगे, तो कोई सूत्र कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपने पर विश्वास रखिए, जो होगा सकारात्मक होगा। मुख्यमंत्री का बयान भी आपने रिसेंट वाला सुन लिया है कि योग्यता ही पैमाना हम लेंगे, अयोग्य लोगों को नहीं लेंगे, और जो भी होगा वो आगे निस्तारित हो गई समय वो सारी चीज़ें डिलीवर करेगा, ठीक है ना। तो अपने पर विश्वास रखिए, अपने एकजुटता पर विश्वास रखिए, और योग्यता की जीत होनी ही है, उसको लेकर परेशान बिल्कुल मत होइए।
बेस्ट ऑफ लक। बाकी व्यक्तिगत जो भी प्रश्न हो सारी चीज़ों कौन से प्रोसेस रिलेटेड कमेंट करते रहिए, क्योंकि जल्दी आपको लोगों को लगातार वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ठीक है, तो बने रहिए राय एजुकेशनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।